देखिए आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी स्टार्ट द कॉन्टैक्ट्स एंड पिंटूज। चैप्टर टू पर एक पास टॉपिक रह गया था कि व्हाट इज द कॉन्टैक्ट्स एंड कंटूर्स। ठीक है, टुडे वी स्टार्ट द कॉन्टैक्ट्स एंड कंटूर्स। व्हाट इज द कॉन्टैक्ट एरियाज? इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट द अप्रॉक्सिमेट हाइट्स ऑफ कंटूर ऑफ द मीडियन और डिस्टल सरफेस ऑफ द टूथ That touches its adjacent tooth in the same arch. ठीक है, आपका जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा, आपका प्रॉक्सिमल एरिया जो होते हैं मीडियन एंड डिस्टल, आपके जो एडजेसेंट टीथ होते हैं उसके साथ जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट एरिया। इट इज क्वाइट यंग इंडिविजुअल्स वेयर द टीथ आर न्यूली अरेक्टिंग द प्रॉक्सिमल सर्फेसिस ऑफ द टीथ आर कॉन्टैक्ट पॉइंट। This contact point gets converted into an area as it broadens and increases in size as a result of frictional wear of the proximal surface against another during physiological movements of the teeth. Outline strike the maxillary teeth in contact are dotted lines being the contact areas, central and lateral incisors. Okay. सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स। ठीक है, इसी तरीके से आपका लेटरल इंसाइजर, कैनाइन एंड फर्स्ट प्रीमोलर, कैनाइन फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर्स एंड फर्स्ट मोलर्स, दिस इज द सेकंड प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर। ठीक है, कॉन्टेक्ट एरिया एंड फर्स्ट सेकेंड एंड कॉन्टैक्ट एरिया लेवल्स नॉर्मली मैंडिबुलर टीथ। ठीक है, इसमें क्या है, आपका सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर्स हैं। बी में क्या है, सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स। इसी तरीके से आपका लेटरल इंसाइजर, कैनाइन एंड फर्स्ट प्रीमोलर, इसका क्या होगा, आपका इंसाइजर थर्ड है, इसमें आपका क्या है, मिडल थर्ड है। इसी तरीके से आपका जो कैनाइन है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर, इसमें क्या है, ई में क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर्स एंड फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर्स एंड फर्स्ट मोलर्स। इसमें क्या है, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर्स एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मोलर्स। दिस इज अ कॉन्टैक्ट एरिया इन द बिटवीन द मैंडिबुलर टीथ। रोल ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट का रोल्स क्या है, वाई के कॉन्टैक्ट एरिया हम उसमें हर टूथ में जब इंडिविजुअली हम टूथ पढ़ेंगे तो उसमें आपको मीडियल थर्ड आएगा, इंसाइजर थर्ड होगा, सर्वाइकल थर्ड होगा, तो इसका रोल क्या है। प्रॉपरली लोकेटेड कॉन्टैक्ट एरियाज अलाउस नॉर्मल हेल्थी इंटरडेंटल पैपिला टू फिल द इंट्राप्रॉक्सिमल स्पेस। The proximal contact of all teeth in the same dental arch and their interdigitation through occlusal contact with the opposing teeth stabilizes and maintains the integrity of the dental arches. Third is that it prevents the food from packing in between the teeth and thereby preventing the impingement to the gingival tissues. Contact areas are three types, tapering, square and wide. Between incisors, in tapering, a contact starts at the incisor ridge incisally and little towards the labiolingually. Square hoga to starts at the incisor ridge incisally and in line with the labiolingually. Agar ovoid shape hoga to slightly lingual to the incisor ridge labiolingually. Mesial contact start at the 1/4 of the crown incisor gingivally. Distal contact start 1/3 to the half of the crown incisor gingivally. Canine mein kya hoga, mesial contact at the incisor ridge, distal contact near the middle. Square mein kya hoga, close to the incisor ridge incisally. And in line with them labiolingually, and square same as square type.
बाइकस्पिड्स प्रीमोलर्स में क्या होगा, बकल पेरिफेरी ऑलमोस्ट एट द बकल एक्सियल एंगल ऑफ द टूथ, ऑक्लूजर पेरिफेरी एट द जंक्शन ऑफ द ऑक्लूजर एंड मिडिल थर्ड ऑफ द टूथ, कॉन्टैक्ट इज डिविएटेड बकली कस फ्रॉम 1/4 एंड 1/3 ऑफ द क्राउन. स्क्वेयर में क्या होगा, क्लोज टू द इंसाइजर रिज इंसाइजरी इन लाइन विद देम लेबियल इंगली. बाइकस्पिड्स में क्या होगा, बकली पेरिफेरी मोर टूवर्ड्स द बकल एक्सियल एंगल एंड ऑक्लूजर पेरिफेरी इज एट द ऑक्लूजर थर्ड एंड शॉर्ट कस. इन स्क्वेयर कन्वेक्सिटी ऑफ द मार्जिनल रिजेस कैरीज ऑक्लूजर पेरिफेरी टूवर्ड्स मिडल थर्ड, बकल पेरिफेरी एट द जंक्शन ऑफ बकल एंड मिडल थर्ड. मोलस मीजल कॉन्टैक्ट बकल पेरिफ्री ऑलमोस्ट एट द बकल एक्सियल एंगल ऑफ द टूथ, ऑक्लूजर पेरिफ्री एट जंक्शन ऑफ द ऑक्लूजल एंड मिडल थर्ड ऑफ द क्राउन, लार्ज कस्प सेम एज प्रीमोलर्स एक्सटेंशन लिंगुअली स्टॉप्स इन द मिडल थर्ड 1 to 4 millimeter, सेम एज बाइकस्पिड इन स्क्वेयर टाइप. मोलर डिस्टल कॉन्टैक्ट बकल पेरिफ्री ऑफ द मिडल थर्ड, occlusal periphery of the middle third, distal contact of the periphery at the middle third. Distal contact of the first molar is a variable due to the portion of distal cusp. In a square, more lingually divided than the mesial, but not as the extent of the tapering teeth. In square, buccal periphery in line with the central groove in the occlusal surface. Measures wide variations incisal and labial, the mid-level gingival and lingual embrasures between interior teeth are the widest and longest in the mouth. Buccal embrasures are small, lingual embrasures are long with the medium width. Gingival embrasures between posterior teeth are broad and long. In incisal, lingual, occlusal, and buccal embrasures are nil. Gingival embrasures are almost not noticeable. If found, they are very narrow and flat. Lingual embrasures are very narrow and long. In incisal, buccal, labial, and occlusal embrasures are wider and deeper than the others. Gingival and lingual embrasures are short and हैजर्ड्स ऑफ फॉल्टी इन कॉन्टैक्ट. अगर आपके कॉन्टैक्ट एरिया सही नहीं है तो उनके नुकसान क्या होंगे, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. नंबर वन, द नॉर्मल सैडल एरिया आर ब्रॉडेंड एंड द ओरल एरिया विच इज नॉन कैटरनाइज इंक्रीजेज द सस्टेनेबिलिटी फॉर द पेरीडोंटल डिजीजेस. Improper shedding of food in buccal and the lingual directions because of narrow embrasures, his changes of the food impingement into the contact area resulting in insufficient mastication. Narrow contact buccolingually or occlusal gingivally hoga to kya hoga, food impaction vertically or horizontally on both area. White buccal and the lingual embrasures in which normal hygiene measures are difficult to be assessed, resulting to food retention and plaque accumulation in embrasure areas. कॉन्टैक्ट प्लेस टू ऑक्लूजन, ठीक है, कॉन्टैक्ट एरिया ऑक्लूजी जो प्रेजेंट होंगे उसमें क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन फ्लैटेंड मार्जिनल रिजेस एट द एक्सपेंस ऑफ ऑक्लूजल एम्ब्रेजर. कॉन्टैक्ट बकली और लिंगुअली, इट विल रिजल्ट इन अ फ्लैटेंड रेस्टोरेशन एट द एक्सपेंस ऑफ बकल और लिंगुअल प्रॉक्सिमल वॉल्स. कॉन्टैक्ट प्लेस टू द जिंजिवली, इट विल इंक्रीज द डेप्थ of the occlusal embrasure, impingement to interdental wall, loose open contact areas leading to food impaction, accumulation of bacterial plaque,
पेरीडोंटल एंड केरिस प्रॉब्लम, ठीक है। अगर लूज कॉन्टेक्ट एरिया होगा तो उसमें क्या होगा, आपकी फूड एक्युमुलेशन हो जाएगी और वहाँ पर बैक्टीरियल एक्युमुलेशन होगी, जिसकी वजह से आपकी पेरीडोंटल और केरिस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द कंटूर्स। व्हाट इज द कंटूर्स? आपने नेक्स्ट आप हर टूथ में आप पढ़ेंगे कॉन्टेक्ट एरिया कंटूर्स। What is the contour? It is a term used to denote some degree of convexities and concavities on the facial, buccal and lingual surfaces of all the teeth that affords protection of to the supporting tissues during mastication. Okay, aapki jo tooth par facial yani ki labial, buccal एंड लिंगुअल सर्फेसिस पर तमाम टीथ पर आपकी जो कन्वेक्सिटीज या कनकेविटीज प्रेजेंट होंगे उनको हम कंटूर्स कहेंगे। क्या है, आपकी सपोर्ट करती हैं टिश्यूज को ड्यूरिंग मेस्टिकेशन। जब मेस्टिकेशन के दौरान आप जो आपके टिश्यूज हैं सपोर्टिंग टिश्यूज हैं उसमें आपकी कंटूर्स हेल्प करते हैं। द ग्रेटेस्ट कन्वेक्सिटीज आर लोकेटेड जनरली एट द जिंजाइवल थर्ड ऑफ द क्राउन on all facial and lingual surfaces of incisors and canines. The lingual surface of the posterior teeth have greatest convexities at the middle third of the crown. Role of contours, facial and lingual convexities. Convex contours on the facial and lingual surfaces of the teeth afford protection and stimulation to the supporting structures during mastication. Facial and lingual convexities, convexities occlusal to the height of contour are involved in the occlusal static and dynamic relations as they determine the pathways for the teeth into and out of centric occlusion. Third is the proximal contours adjacent to the contact area. Proximal contours adjacent to the contact areas are V-shaped space, also called as embrasures. Embrasures serve as a pathway for the passage of food, which is passed to the occlusal surfaces by the movement of the facial tissues and tongue. Types of contour according to their general shape teeth and can be divided into three types. Number one is the tapering teeth contours. The proximal contours of the tapering teeth of the teeth has one common feature starting at the cemento enamel junction. The surface present a concavity almost to the contact areas and they are decidedly convex from there to the crest of the marginal ridges. The concavities are more pronounced on the mesial surface than on the distal surface. This is a tapering teeth, okay, tapering contour. Second is a square type tooth contours. The proximal contours of these type teeth have a tendency to become a plane instead of a curved surface. Buccolingual concavities are found occasionally on the mesial surface of mesial and first premolar. First and second molars, the distal surface are generally either flat or slightly convex from the buccal to lingual surface. The convexities which creates the marginal ridges disappear at the contact and the remainder of the surface is usually flat. This is the square teeth contour of the tooth. Third is the ovoid type teeth contours. The proximal contours are decidedly convex from incisal angle to the cervix, the cervical. Bicuspids of the ovoid type are frequently bell-shaped with the convex surface running from the crest of the marginal ridges to the cervical and likewise convex from the buccal to the lingual axial angles. The mesial surface of the type of molars presents convex areas which are less extensive than those found on the distal. The distal surface are usually convex in all directions. This is a ovoid teeth. Hazards of faulty contours. Over contoured curvatures can create a favorable environment for the accumulation
and growth of karyogenin at plaque bacteria gingival margin apical to the height of contour. This feature results in chronic inflammation of gingiva. Deficient or dislocated concavities can lead to the premature contacts during mandibular movements, which could inhibit the physiological capabilities of these movements. Excessive concavities can invite extrusion, rotation, or tilting of occluding elements into non-physiological relation with opposite. To narrow the embrasures, predispose the teeth and supporting structures to heavier stresses. To wide the embrasures offer little protection to the underlying soft tissue. Proper contour serves in holds gingiva under definite tension, and this is a preventing food infection and gingival recession. Reflect food over the gingival margin and preventing undue frictional irritation, and gives proper message. If the convex is absent to a small, food will push the margin of the gingival apical. If the convexity is too large, there will be protection of the gingiva from proper message, and lose its tone, so food accumulate around the gingival tissue, resulting in the gingival inflammation. Next is the curvature of the cervical line. The gingiva is attached to the tooth at the cervical line around the tooth. This attachment is called the dentino-gingival juncture. There is direct relation between the height of normal gingival tissue and the height of dentino-gingival junction. Also, normal dentino-gingival junction follows the contour of cervical line. So it is important to the dentist to keep the gingival tissue is normal state. Any trauma to the gingiva will break the normal dentino-gingival junction, resulting in the inflammation to the periodontium. Some general rules concerning the cervical line contours in normal dentitions. Number one is the cervical line is normally curved or bulges towards the apical on the facial and lingual surfaces of teeth. Second is the cervical line is normally curved toward the incisor on the mesial and distal surfaces of teeth. Amount depth of cervical line curvature on any individual tooth is normally greater on the mesial as compared to the distal surface. Cervical line on adjacent proximal surfaces of adjacent teeth have approximately the same depth of curvature. The depth of the curvature on all surfaces is greatest on central incisors and decreases posteriorly. Second chapter is complete. आपको एक छोटा सा टॉपिक दे गया था कि व्हाट इज द कंटूर्स एंड कॉन्टैक्ट एरिया. नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा. For introduction, there is a certain amount of variations among individual teeth. Every tooth may not meet all the criteria to identification. By understanding the characteristics of each tooth, you will be able to differentiate among teeth and bright teeth or in any particular group. Okay. Clinical uses for tooth morphology. Number one is the mounting dental radiographs, assisting in charting the mouth with the missing teeth and teeth that have dripped. Collecting temporary crowns from a box with a variety of shapes.
फॉर्मिंग मैट्रिक्स बैंड्स बिफोर एप्लीकेशन रेस्टोरेशन ऑफ टी. ठीक है, मॉर्फोलॉजी का क्लिनिकल यूजेस क्या है. अब क्या है नौ, इंटीरियर परमानेंट डेंटेशन. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द इंटीरियर परमानेंट डेंटेशन एंड पोस्टीरियर. तो इंटीरियर डेंटेशन में क्या है, आपके सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर और कनाइन टूथ आ जाते हैं. तो देयर आर 12 इंटीरियर टीथ इन द परमानेंट डेंटेशन, 6 इन ईच डेंटल आर्च. परमानेंट इंटीरियर टीथ इंक्लूड्स द सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर एंड canines. Central incisors are closer to the midline, lateral incisors are the second teeth from the midline, and canines are the third teeth from the midline. All interior teeth are subsequent teeth, replacing primary teeth of the same type. Characteristics of the permanent teeth. ठीक है, आपके जो इंटीरियर परमानेंट टीथ है उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, आपको फौरन पता चल जाता है कि ये इंटीरियर टीथ है और ये पोस्टीरियर टीथ है. नंबर वन इज द ऑल इंटीरियर टीथ है द सिंगुलर. व्हाट इज द सिंगुलर, व्हाट इज द सिंगुलर, अभी देखिए चेक करें. राउंडेड फेस एरिया ऑन द सर्वाइकल थर्ड ऑफ द लिंगुअल सरफेस. Cingulum corresponds to lingual dormant lobe. Lingual surface on interior teeth has rounded rays borders on the mesial and distal surfaces called the marginal ridges. Some interior teeth have a fossa which is a wide shallow depression on the lingual surface. Okay? Cingulum kya hai? Rounded rays. Eminence area on the cervical third of the lingual surface. Cingulum corresponds to lingual dormant lobe. ठीक है, आपको मैंने बताया था कि what is the lobe? आपके interior teeth में क्या है? Four lobes होते हैं. Three labial, one lingual. जो lingual lobe होगा वो क्या होता है? आपका cingulum. ठीक है, और क्या है? आपका number one is the cingulum. ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, आपके मार्जिनल रिजेस प्रेजेंट होती हैं, और थर्ड इज द लिंगुअल फोर्स. परमानेंट इंसाइजर्स आर द फर्स्ट एंड सेकंड टीथ फ्रॉम द मिडलाइन व्हिच अलोंग द कैनाइंस कंप्रेस द इंटीरियर टीथ ऑफ ईच क्वाड्रेंट. The incisor closer to the midline is termed the central incisor, while the second tooth from the midline is the lateral incisor. This position, the lateral incisor distal to the central incisor and mesial to the canine. Functions kya hai? Incisors as a group participate in all three of the major functions of the human dentition and probably have a great role in aesthetic and phonetics than other group of teeth. Mastication, they function by biting, cutting and shedding, thus breaking the food particles into small pieces suitable for grinding.
kinesthetic not only to the size, shape, color, and manner of placement of incisors directly contribute to the person's appearance, but they provide the support necessary for the normal profile of the lips and face. Phonetics, they are the necessary for the execution of the certain sounds. Okay. Four features adding differentiating the crowns of incisors from the crown of the other prominent teeth include. Number one is the incisor edge. Okay. How can differentiate interior teeth to posterior teeth? इंटीरियर टीथ में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो कि पोस्टीरियर टीथ में प्रेजेंट नहीं होंगे. नंबर वन इज द इंसाइजल एज. दिस फ्लैटेंड एज, दिस इज द इंटीरियर टीथ सेंट्रल इंसाइजर, दिस इज द इंसाइजल एज. ये जो आपको स्ट्रेट एज नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द इंसाइजल एज. दिस फ्लैटेंड एज आर सरफेस differentiated from the single cusp of canines and multi cusp of occlusal surface of posterior teeth. Interior teeth mein kya hoga? Incisal edge hoga. Aur posterior teeth mein kya hoga? Occlusal surface hoga. Second is the mamelons. Mamelons are rounded extensions of enamel on the incisal ridge of recently erected incisors and most often are three in number. Mamelons are irregular in number, shape, and prominence. Normally, mamelons wear away shortly after the incisors come into active occlusion. They are occasionally seen in adult mouths when the incisors have not been in functional occlusion. Yeah, mamelons kya hote hain? Rounded extensions present hoti hain on the incisor edge. Three rounded projections hoti hain aapke newly erected teeth par hoti hain. जब आपके टूथ फंक्शन में आ जाते हैं तो वो आपके स्ट्रेट इंसाइजर एज बन जाता है. दिस इज द मैमिलॉन्स, दिस इज द थ्री रोम्बिक प्रोजेक्शन, न्यूली एरेक्टेड टीथ इज कॉल्ड द मैमिलॉन्स. थर्ड इज द पोजिशन एंड एंगुलेशन ऑफ मार्शल. फर्स्ट क्या था? सिंगुलर. सेकेंड इज द मैमिलॉन. थर्ड इज द पोजिशन एंड एंगुलेशन ऑफ द मार्शल रिजेस. ठीक है, मार्शल रिजेस क्या होता है? इंटीरियर टीथ पे क्या होता है? आपकी लिंगुअल सरफेस पर प्रेजेंट होती है. और पोस्टीरियर टीथ पे क्या होता है? अक्लूजल सरफेस पर होती है. लोकेशन एंड एंगुलेशंस ऑफ एंगुलेशन ऑफ मार्शल रिजेस ऑफ इंसाइजर्स एंड केनाइंस कॉन्टेक्ट मार्कली विद द सेम फीचर्स ऑफ द मार्जिनल रिजेस पोस्टीरियर टीथ. ठीक है, पोस्टीरियर टीथ में क्या होगा? आपके अक्लूजल सरफेस पर होंगे. और आपकी जो इंटीरियर टीथ होती है इसमें क्या होता है कि आपकी लिंगुअल सरफेस पर मार्जिनल रिजेस प्रेजेंट होती है. ठीक है, मेजर एंड डिस्टल मार्जिनल रिजेस, जैसे कि दिस इज द मेजर मार्जिनल रिज, दिस इज द डिस्टल मार्जिनल रिज. ऑन इंसाइजर्स द मार्जिनल रिजेस आर मेजर एंड डिस्टल टर्मिनेशंस ऑफ द लिंगुअल सरफेस and are more or less parallel to the tooth's long axis. While on posterior teeth, they are found on the occlusal surface and roughly at right angles to the long axis of the tooth. What is the lingual fossa? The crowns of the incisors exhibit a concavity with concave covers roughly the half of the lingual surface. This is the lingual fossa. This is the cingulum. ठीक है, cingulum क्या है? Rounded eminence present on the cervical third. This is the cingulum. This is the mesial marginal ridge. This is the distal marginal ridge. This is the incisal ridge. This is the lingual fossa. ठीक है, आपकी क्या है? Four structures present हो गए. Cingulum, lingual fossa, ठीक है, marginal ridges and mamelons. आपके फोर फीचर्स जो है आपके इंटीरियर टीथ कैसे डिफरेंट डिफरेंट हो गए पोस्टीरियर टीथ से. ठीक है, सिंगुलम लार्ज राउंडेड एमिनेंस ऑन द सरफेस ऑफ ऑल परमानेंट टीथ व्हिच एनकंपासेस द एंटायर सर्वाइकल थर्ड ऑफ द लिंगुअल सरफेस. Canines from exhibit the cingulum which is more prominent than that of the incisors, but posterior teeth have no comparable structure. Posterior teeth means cingulum not present.
Now in startup permanent exemplary center inside. अब पहले क्या था, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि फोर फीचर्स कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इंटीरियर टिप को पोस्टीरियर टिप से. अब क्या है परमानेंट एक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर. व्हेन कंपेयर टू द मैंडिबुलर इंसाइजर्स दोज इन द एक्सिलरी आर्च हैव ट्रॉम्स व्हिच आर जनरली लार्ज इन ऑल डायमेंशंस बट स्पेशली मेसियो. दिस इज द सेंट्रल इंसाइजर, राइट सेंट्रल इंसाइजर, राइट लेफ्ट lateral incisor and left right canine. Same left center incisor, left lateral incisor and left canine. The crown area of the maxillary center incisor is normally much greater than that of the maxillary lateral incisor. Lateral incisor crown is similar in form to the crown of the center incisor, only on a smaller size scale in all dimensions. General features, interior teeth. Function kya hai incising the food. Mesial contact the mesial surface of central incisor. ठीक है, आपका right है. ठीक है, इसका mesial contact क्या होगा, आपका left central incisor के साथ होगा. और distal contact क्या होगा, lateral incisor. ठीक है, distal contact to the lateral incisor. Maxillary and central incisor have unique anatomy features. They are large in all dimensions, especially mesiodiscal, compared with the permanent mandibular central incisor. The labial surfaces are more rounded from the incisal aspect, with the tooth tipping towards the lingual. The root is short compared to the roots of other permanent maxillary teeth. All lingual surface features, including the Marshall ridges, lingual fossa, and cingulum, are more prominent on the maxillary central incisor than the mandibular central incisor. Five surfaces of the teeth. This is the labial surface, lingual surface, mesial aspect, distal aspect, and incisal aspect. Chapter first chapter में मैंने आपको बताया था five surfaces of the teeth. ठीक है, interior teeth में क्या surfaces होंगी, labial aspect, lingual aspect, mesial aspect and distal aspect, and functional aspect is the incisor. We get five surfaces of the interior teeth. Next is the ajata hai numbering system. In universal number system, maxillary right central incisor 8 and maxillary left central incisor 9. Palmar notation, right and left 1. ठीक है, एफ डी ए सिस्टम में क्या होगा, वन 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 आपका क्वाड्रेंट नंबर और वन नंबर इज सेंट्रल इंसाइजर. क्या होगा, वन वन इज द सेंट्रल इंसाइजर राइट. टू वन क्या होगा, टू क्वाड्रेंट नंबर और वन टूथ नंबर. तो क्या होगा, टू वन. ठीक है, मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर वन वन एंड मैक्सिलरी लेफ्ट इन सेंट्रल इंसाइजर टू वन. General form and function as viewed from the labial or lingual aspect, the crown is trapezoidal in shape and the widest major display of any interior. Second chapter mein maine aapko geometrical shapes batayi thi ke three types of the geometrical shape, triangular, trapezoidal and rhomboidal. Trapezoidal आपकी क्या होगा, इंटीरियर टिप में आपकी लेबियल और लिंगुअल सरफेसेस क्या होंगी, ट्रेपेजॉइडल होंगी. जो प्रॉक्सिमल सरफेसेस होंगे वो क्या होगी, ट्राइंगुलर इन शेप. ठीक है, इंटीरियर टिप में लिंगुअल एंड लेबियल एस्पेक्ट इज द ट्रेपेजॉइडल इन शेप. एंड प्रॉक्सिमल सरफेसेस में जिसमें मेजर एंड डिस्टल एस्पेक्ट आ जाते हैं वो क्या होगा, ट्राइंगुलर इन शेप.
नेक्स्ट हिस्सा जो एडवेंटर है, जो कि आपके एमसीक्यूज में, वाइवा में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर वन इज द अपीयरेंस ऑफ डेंटल ऑर्गन। डेंटल ऑर्गन कैसे कब बनना शुरू होता है? 5 मंथ इंट्रा यूट्रस, ठीक है, ये जो है आपका डेंटल ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाता है। बिगनिंग ऑफ कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन कब स्टार्ट होती है? 3 to 4 months। क्राउन कंप्लीट 4 to 5 years, एडेप्शन 7 to 8 years, एंड रूट कंप्लीट 10 years। जनरल कंसिडरेशन, ज्योमेटिकल शेप ऑफ द क्राउन इज द ट्रेपेजॉइडल। लेबियल सरफेस इज जनरली कन्वेक्स इन बोथ डायमेंशंस। मेजर डिस्ट्री एंड इंसाइजो जिंजाइवली। मेजर डिस्ट्री क्या होगा? दिस इज द मेजियर, मेजियल एस्पेक्ट, दिस इज द डिस्टल। तो मेजियर डिस्टल ज्यादा होगी। इंसाइजो जिंजाइवली, दिस इज द इंसाइजल एज और दिस इज द जिंजाइवल पोर्शन, ठीक है, सर्वाइकल आउटलाइन। तो इंसाइजो जिंजाइवली, ठीक है, जब इंसाइजो जिंजाइवली होगी तो दिस जो आपकी वेट होगी, दिस इज द इंसाइजर, दिस इज द जिंजाइवल पोर्शन। तो क्या होगा? इंसाइजो जिंजाइवली। कन्वेक्सिटी इज नॉर्मली इन द सर्वाइकल थर्ड, ठीक है, सर्वाइकल थर्ड पर। आपको मैंने बताया था कि क्राउन को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। दिस इज द इंसाइजल थर्ड, दिस इज द मिडल थर्ड एंड दिस इज द सर्वाइकल थर्ड। Convexity is normal in the cervical third and tends to more closely approach flattens toward the incisor third. ये क्या होगा? आपका यहाँ पर जो है आपके incisor cervical third पर आपको क्या है convexity नजर आ रही है, और यहाँ पर जो incisor third पर क्या है आपको आपको flattened नजर आ रहा है, ठीक है। Medial outline, अब हम क्या है labial aspect पढ़ रहे हैं। लेबियल एस्पेक्ट में क्या होगा? मीजियल आउटलाइन, ठीक है, हम इसमें क्या है मीजियल आउटलाइन, इंसाइजल आउटलाइन, डिस्टल आउटलाइन एंड सर्वाइकल आउटलाइन पढ़ेंगे, ठीक है। मीजियल आउटलाइन क्या है? ऑफ द क्राउन इज ओनली स्ट्रेट, ठीक है, कन्वेक्स। समटाइम्स इज नियरली स्ट्रेट विद द क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर ऑन द कॉन्टेक्ट एरिया इन द इंसाइजल, ठीक है। इससे पहले आपने कॉन्टैक्ट एरिया पढ़ा, ठीक है, अब क्या है कॉन्टैक्ट एरिया कहाँ पर होगा? आपका मेजर एस्पेक्ट पर, इंसाइजर थर्ड, दिस वन, दिस इज द इंसाइजर थर्ड। द मेजर इंसाइजर एंगल इज रेदर शार्प, ठीक है, मेजर इंसाइजर एंगल क्या होगा? शार्प होगा, ठीक है, मेजर इंसाइजल एंगल क्या होगा? दिस इज द मेजर इंसाइजल एंगल, शार्प है, और जो डिस्टल इंसाइजल एंगल है क्या है? राउंडेड है। डिस्टल आउटलाइन कन्वेक्स, इंसाइजल एंगल इज राउंडेड। मेजर इंसाइजल एंगल क्या है? शार्प है, और डिस्टल इंसाइजल एंगल क्या है? राउंडेड। Cervical half of the mesial and distal outline is normally convex. Either outline can be nearly straight in comparison to the almost convex incisal half. Incisal margin. This is the incisal margin. The incisal margin may be gravid mammillons. First of all, क्या है? Newly erected क्या है? 3 mammillons present होते हैं. Without mammillons, the margin is generally straight. जब आपके अपर एंड लोअर टीथ जब कॉन्टेक्ट में आते हैं तो क्या होता है आपके मेमिलोन्स क्या है जनरली इंसाइजर मार्जिन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सर्वाइकल मार्जिन। द सर्वाइकल कर्व्स इवनली टुवर्ड्स द रूट। The crown narrows mesiodistally at the cervical margin than at the incisor. Other considerations are dormental depressions, two straight shallow depression which extend from the incisal edge towards the gingival.
साइजल एंगल दिस वन, ये जो आपको शार्प नजर आ रहा है दिस इज द मीजियो इनसाइजल एंगल, दिस इज द डिस्ट्रो इनसाइजल एंगल। डिस्ट्रो इनसाइजल एंगल डिस्टल साइड से जब आप देखते हैं मार्जिन से स्प्रेड से तो आपको ये राउंडेड नजर आता है, दिस इज द डिस्ट्रो इनसाइजल एंगल एंड दिस इज द मीजियो इनसाइजल एंगल। मीजियो इनसाइजल एंगल क्या है, शार्प है, और डिस्ट्रो इनसाइजल एंगल क्या है, राउंडेड। ओके, नुमान समझ आ गई आपको कि व्हाट इज द मीजियो इनसाइजल एंगल एंड डिस्ट्रो इनसाइजल एंगल। मीजियो इनसाइजल एंगल क्या है, आपका 90 डिग्री पर होगा, ठीक है, तो शार्प होगा। जब आप उसको मीजियल आउटलाइन से देखेंगे तो आपको इनसाइजल इनसाइजल जो है वो शार्प नजर आएगा, तो क्या होगा, मीजियो इनसाइजल एंगल। और जो डिस्ट्रो इनसाइजल एंगल है वो क्या है, राउंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको लेबियल स्पेक्ट पर प्रोमेंटल डिप्रेशन नजर आते हैं, टू स्ट्रेट लाइंस शेलो डिप्रेशन विच एक्सटेंड फ्रॉम द इनसाइजल एज टुवर्ड्स द जिंजाइवल एंड फेस आउट इन द मिडल थर्ड, दे आर टर्म मेजियो लेबियल, ठीक है, एंड डिस्ट्रो लेबियल प्रोमेंटल डिप्रेशन। एंड ऑलरेडी बी पॉइंटेड आउट दे रिप्रेजेंट द डिवीजन ऑफ द थ्री लेबियल लोब्स। यह आपका सेंट्रल इंसाइजर है, दिस इज द मीजियो लेबियल डिप्रेशन, ये आपको टू डेवलपमेंटल डिप्रेशन नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, आपका ये आपका थ्री लेबियल लोब्स प्रेजेंट होंगे। तो ये कौन सा होगा, मीजियल लेबियल लोब, ठीक है, ये मीडियल लोब होगा, और ये क्या होगा, डिस्टल लेबियल लोब, ठीक है। और लिंगुअल सरफेस पर आपके जो सेंगुलम होगा वो आपका फोर्थ लोब होगा, ठीक है। दिस इज द आपका जो ये दिस इज द लेबियल स्पेक्ट, लेबियल स्पेक्ट पर क्या है, आपको टू डेवलपमेंटल डिप्रेशन नजर आ रहे हैं, ठीक है, और थ्री लेबियल लोब्स, ठीक है, मीजियल लोब, मीडियल लोब एंड डिस्टल लोब, ठीक है। और दिस इज द इम्ब्रिकेशन लाइंस, आपको जो सर्वाइकल आउटलाइन पर आपको एक फेंट कर्व लाइंस नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द इम्ब्रिकेशन लाइंस, ठीक है। फेंट कर्व लाइंस विच रफली पैरेलल द सेमेंटो एनामल जंक्शन इन द सर्वाइकल थर्ड ऑफ द सरफेस, ठीक है। रूट क्या होगी, शेप हो, रूट शेप क्या होगी, कोनिकल होगी, और रूट अपेक्स क्या होगा, ब्लंट होगा। टुमारो डिस्कस द लिंगुअल एस्पेक्ट, एनी क्वेश्चन इन द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, आपको समझ आ गई, लेबियल स्पेक्ट पर कौन कौन सी सर्फेसेस कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, लेबियल स्पेक्ट पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इम्ब्रिकेशन लाइंस प्रेजेंट होंगी, मेमिलोस जो है वो आपके जो न्यूली अरेप्टेड टीथ होते हैं,
उस टाइम प्रेजेंट होती है, ठीक है, जब आपके मिक्सेलरी टिप, जब सेंट्रल इंसाइजर इन कॉन्टैक्ट, जब फंक्शनल आपके मीजियल अपर एंड लोअर टिप कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो जो मेमिनोन्स होते हैं वो आपके क्या है, स्ट्रेट एज बन जाता है. दिस इज कॉल्ड द इंसाइजल एज, ठीक है. मेमिनोन्स आपके जो है न्यूली अरेप्टेड टिप पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द इंसाइजल एज, ठीक है. इंसाइजल, इस पे लेबियल एस्पेक्ट में आपको इंडिकेशन लाइंस प्रेजेंट होंगी, आपके डेवलपमेंटल डिप्रेशंस प्रेजेंट होंगी, ठीक है. मीजियल एंड डिस्टल या आपको दो डेवलपमेंटल डिप्रेशंस प्रेजेंट नजर आ रहे हैं, और क्या है, थ्री लेबियल लोब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है. दिस इज द मीजियल लेबियल लोब, मिडल लेबियल लोब एंड डिस्टल लेबियल लोब, ठीक है. और मीजियल इंसाइजल एंगल क्या होगा, शार्प होगा, और डिस्टल इंसाइजल एंगल क्या होगा, राउंड होगा. व्हाट इज कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके इंटीरियर टीथ को पोस्टीरियर टीथ से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है. कौन कौन से हैं, फोर स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया है इंटीरियर टीथ, किस तरह आपके आप इंटीरियर टीथ को पोस्टीरियर टीथ से देखोगे, कितना कंपैरिजन करोगे कि ये इंटीरियर टीथ है और ये पोस्टीरियर टीथ है. यस, गुड. सेंगुलम, मार्जिनल रिजेस, नेक्स्ट, मेमिलॉन्स, फोर्थ, इंगल फोसा, गुड, ठीक है. फोर स्ट्रक्चर्स हैं और ये आपके इंटीरियर टीथ में क्या है, मार्जिनल रिजेस क्या है, आपके लिंगुअल सरफेस पर प्रेजेंट होंगी, लिंगुअल फोसा आपके लिंगुअल सरफेस पर होगा, सेंगुलम लिंगुअल सरफेस पर होगा, और ऑक्लूजल सरफेस क्या है, इन पोस्टीरियर टीथ, जो आपकी पोस्टीरियर टीथ है उसमें क्या होगा, आपके ऑक्लूजल सरफेस पर मार्जिनल रिजेस फोसास प्रेजेंट होंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट टुमारो स्टार्ट द लिंगुअल स्ट्रैक्ट. Okay. Any question? समझ आ गई आपको? Okay. अल्लाह हाफिज़.